हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। और आशीष है तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि अपन का चूतिया कट रेला है, दिमाग का भोसड़ा हो गया। इधर जरूरी है, हर धक्का जरूरी है गणेश, अपन को नहीं करने का। मुझे पता है और क्यों नहीं करना है ये भी पता है। अरे समझ चुके हो तो यार बता क्यों नहीं थे इन लोगों को। खैर आज हम लोग बात करेंगे चरमसुख कामवाली बाई के एपिसोड के बारे में। चरमसुख एक सीरीज है जिसमें हर हफ्ते अलग अलग एपिसोड रिलीज होते हैं, तो इस हफ्ते ये एपिसोड रिलीज हुआ जिसका नाम है कामवाली बाई। इसमें हमें तकरीबन दो पार्ट में ये रिलीज हुआ, यानी कि हर पार्ट की जो लेंथ है लगभग 19 मिनट की है और कहानी बिल्कुल सिंपल सी है। और जिसने भी कहानी लिखा है पर्सनली मुझे ऐसा लगता है उसने अपनी आत्मकथा यहाँ पर बताया है। कहानी ये है कि एक हस्बैंड वाइफ यानी कि एक कपल है जो कि मैरिड है और दोनों एक दूसरे साथ अच्छे से रहते हैं, यानी कि रिच कपल है और उनके घर में एक कामवाली बाई है। तो कामवाली बाई पे मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं उन हस्बैंड वाइफ के बीच की जो केमिस्ट्री वो बताता हूँ। हस्बैंड वाइफ का मसला ये है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों ने लव मैरिज की है और जो उसका हस्बैंड है वो गरीब घर से और उसने अपनी बीवी से शादी किया और दहेज में ये पूरा जो बंगला है जिस घर बंगले में लोग रहते हैं उस बंगले को लिया अपने ससुर से। तो वो आदमी थोड़ा काम करता है लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसको अपनी बीवी के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखना है जो कि ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ रखते ही है। तो उसकी बीवी जो है ना, बीवी सोचती है यार मैं तुम्हारी डिजायर जो तुम्हारे सेक्सुअल जो चीजें जो तुमको चाहिए वो मैं इस एक ही शर्त पूरी करूंगी, अगर तुम मेरी जो मुझे पर्सनली चाहिए जो कुछ मतलब उसकी सेक्सुअल नहीं होती, उसकी जो बाहर की नीड्स होती है यानी कि बाहर लेके जाना या जो भी पार्टी में जाना वो सब उसकी नीड होती। तो बोलती है अगर तुम मेरी नीड पूरी करोगे तो मैं तुम्हारी नीड पूरी करूंगी। तो इसी चलते वो अपने हस्बैंड को फुली सेटिस्फाइड नहीं करते, तो उसका हस्बैंड हमेशा भूखा घूमते रहता है, यानी भूखे शेर की तरह घूमते रहता है। तो अब मैं आता हूं कामवाली बाई के ऊपर, तो कामवाली बाई का एंगल इन लोगों के साथ किस तरीके से मिलता है। तो कामवाली बाई का ये मसला, अब मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कामवाली बाई जो यहाँ पर है वो कामवाली बाई बिल्कुल नहीं लगती, ऐसा लगता है किसी सीरियल की एक्ट्रेस है। तो यार अपने घर में सीरियल की एक्ट्रेस को कौन कामवाली बाई रखता है ये तो मुझे समझ में आता है, ये तो उल्लू वाले ही रखते हैं। और मैं यहाँ पर एक ही चीज बोलूंगा कि जो जिस तरीके से कामवाली बाई को कास्टिंग किया है ना भाई, इस तरीके की कामवाली बाई कहीं भी नहीं मिलती है, ये आपको सिर्फ उल्लू की वेब सीरीज में देखने मिलेगी। और जिन लोगों को ये कामवाली बाई चाहिए मैं तो बोलता हूँ उल्लू वाले से कॉन्टेक्ट करो आपको ये मिल जाए। खैर कहानी आगे बढ़ती है, कामवाली बाई की शादी किसी से तय हो रखी है जिसका नाम है गांव में रहता भाई, वो लड़के का नाम है पता नहीं छन्ना या फन्ना क्या नाम है उसका। तो उससे फोन पे बात करती तो वो उसको बोलता है कि यार मेरी मम्मी ये बोल रही है कि यार शादी की तारीख तभी पक्की होगी जब तुम दहेज के लिए 2 लाख का इंतजाम करोगी। अब बात आई थी दहेज की, तो वो जब लड़की बोलती है तुमने पहले तो मुझे ये नहीं बताया था कि शादी तभी तय होगी जब 2 लाख रुपए आप दहेज में दोगे, तो वो लड़की थोड़ा परेशान हो जाती है। और यहाँ पर जो भैया लोगों की जो यूपी वाले की जिस तरीके से एक्सेंट बोली गई है ना, मैं आप लोगों को बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं यूपी का भैया नहीं हूँ, वो तो आप ये वेब सीरीज में देख लेना। इतनी जबरदस्त तरीके से बैंड बजाई उस लैंग्वेज के मतलब आपको सिर्फ हंसी आएगी उन लोगों की जो कन्वर्सेशन है, वो लड़का लड़की यानी कि कामवाली बाई पारो और उसके जो होने वाले हस्बैंड की जो कन्वर्सेशन है कॉल वाली, यार बहुत ज्यादा हंसी आने वाली सुन के। तो खैर वो बोलती कि मैं गरीब घर की, यानी कि पारो जो काम वाली भाई बोलती मैं गरीब घर की हूँ, मेरे घर में खाने को भी पैसा नहीं है, मैं तो किसी दूसरे के घर में काम वाली एज अ काम सर्वेंट का जॉब कर रही हूँ, तो मैं कहाँ से 2 लाख का इंतजाम कर सकती हूँ। तो लड़का बोलता ठीक है मैं 1 लाख का इंतजाम करता हूँ और 1 लाख का इंतजाम तू कर लेना मैं अपनी माँ को दे दूंगा ताकि हमारी शादी हो सके। तो वो लड़की थोड़ा परेशान होती है, यानी कि पारो जो काम वाली वो बहुत परेशान होने लगती। तो इतने में जो उसकी घर की जो मालकिन है रुचि वो देख लेते, वो बोलती तू इतना परेशान क्यों है, तो वो बोलती ऐसा था कि भाई मेरी शादी होने वाली है लेकिन सामने वाले दहेज के लिए 2 लाख रुपए मांग रहे, मैं 2 लाख का इंतजाम कहां से करूंगी। तो वो इस काम वाली भाई को यानी रुचि जो उसकी मालकिन होती है वो इस काम वाली भाई को इतनी जबरदस्त तरीके से सजेशन देती ना, वो सजेशन उल्लू की हर वेब सीरीज में हर एपिसोड में आपको कोई ना कोई लड़की जो मेन एक्ट्रेस होती है उसको सजेशन देती। तो वो बोलती कि यार तू क्या कर सेमी न्यूड फोटो भेज, यानी कि अपनी सेमी न्यूड सेल्फी भेज के उस लड़के को जिससे तेरा मंगेतर है उसको सेल्फी से फोटो भेज ताकि वो इंटरेस्ट होके तुझे 2 लाख 1 लाख तो क्या पूरे 2 लाख पूरे इंतजाम कर लेगा और वो तुम लोग की शादी हो जाएगी, मतलब इस तरीके का उसको राय देती सजेशन देती। तो वो क्या करती है अपना सेमी न्यूड फोटो खींच के उस लड़के को जो उसका मंगेतर उसको भेज देती है और उसका मंगेतर भी वही होता हवस का पुजारी और बोलता और फोटो भेज और फोटो भेज और फोटो भेज। तो यही फोटो के चक्कर में जो उसका मालिक होता है वो मालिक इसका फोटोज देख लेता है, फोटो देखने के बाद वो क्या करता है वो फोटो को अपने मोबाइल में सेंड कर लेता है व्हाट्सएप में और भाई इसको कामवाली भाई को ब्लैकमेल करता है, कि अगर तुमने मेरे साथ सेक्स नहीं किया तो मैं ये सारे के सारे फोटो वायरल कर दूंगा। फिर उसके बाद वो क्या करती है कि नहीं करती है बेसिकली यही एक 2 एपिसोड में बताया गया। तो मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगा कि लेकिन अब मैं सुरेश जी इनको कोई गाली नहीं दूंगा, अब इनके साथ
अब तो गोली चलाने की बारी है, गाली देने की जरूरत क्या है। अगर आप लोगों को भी उल्लू में ये एपिसोड देखना तो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे उल्लू वाले ने ये बताने की कोशिश की कि जो दहेज लेने वाले कितना गलत करते हैं, और बिचारी लड़की जो दहेज की वजह से उसको क्या कुछ करना पड़ता है। तो बेसिकली ये समझाने की कोशिश की गई, अब ये कहाँ होता है, कौन सी लड़की ऐसा करती है, शायद उल्लू के कोई रिश्तेदार होगा, उल्लू वाले जिसने बनाया उसके कोई रिश्तेदार ने किया होगा या किसी उसी ने किया होगा, उसलिए ये कहानी आई। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई चूतिया बना इतना करेगा, और जो लड़की इतना बड़ा चूतिया बना करती है मैं उसको इतना ही सजेशन दूंगा कि अगर जो भी तुमसे दहेज मांगता है तो सबसे पहले उसको ये बोलो कि पहली फुर्सत में निकल, क्योंकि शादी उसी से करो जो तुमसे प्यार करे, ना कि दहेज में तुमसे मोटी रकम मांगे और ये फला कर दो वो कर दो, उससे कभी शादी नहीं करना, हमेशा तुम्हें पछताओगे। इस वो जो गाना ना अरिजीत का, बहुत बड़ा पछताओगे, वही याद आ जाएगा। इसके लिए बोलता हूँ शादी करो जो तुमसे प्यार करे, ठीक है। ये आप लोग को मैं समझा दिया, बाकी उल्लू वालों को यही बोलूंगा कि यार इतने सारे, जब अगर कोई अच्छा मैसेज देना है तो उसका जो तरीका बहुत दूसरा भी हो सकता है, मतलब इतने ज्यादा एडल्ट सीन डाल देना, उससे लोगों को तुम क्या बताना चाह रहे हो, मतलब अच्छी चीज को गंदी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हो यार, ये बहुत ज्यादा गंदी बात है। मैं तो इतना बोलूंगा अगर आप लोग उल्लू की वेबसीज देख रहे हो तो आप शौक से देख सकते हो, ये आपको उल्लू ऐप पे मिल जाएगी, और उल्लू ऐप सबसे सस्ता ऐप है। अब मैं बात करता हूँ मेरे हेटर्स लोग की, जो मेरे वीडियो पे नेगेटिव कमेंट करते या डिसलाइक करते, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। देख लेगा मैं तेरे को मादरचोद, तेरे गांड में छतरी डाल के नहीं खोलाना मैं, तो मेरा नाम बंटी नहीं, समझला। इतना अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं मिलूंगा आपको कल किसी नए वीडियो में। हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। टिल देन।